जम्मूना कठुआ के जहां केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह सभा संबोधी रहा है। भारत के अंदर अपनी जड़ें नहीं जमा पाया है और उसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने भारत के मुसलमानों को उसका श्रेय देना चाहता हूं, इस्लाम को मानने वालों को श्रेय देना चाहता हूं। लोगों को मालूम नहीं होगा यदि किसी के घर के बच्चे रेडिकलाइज होते हैं, ऐसे दो तीन परिवार आकर मुझे मिले इस्लाम को मानने वाले और उन्होंने कहा गृहमंत्री जी हमारे बच्चे को बचा लीजिए, बाहर जाते हैं तो उसकी आकर वह सूचना देते हैं। इस भाव को भी हमको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान नहीं समझ सकता, पाकिस्तान नहीं समझ सकता है। और पाकिस्तान मजहब के आधार पर भी भारत का बंटवारा हुआ, वह अस्तित्व में आया, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान को एक नहीं रख पाया। 1971 में उसी पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अभी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाए। और वह खंड खंड करने का काम भारत नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे। हमारी सोच और हमारी नीति कभी विस्तारवादी नहीं रही, और इतिहास इस बात का साक्षी है। भारत हिंदुस्तान का एक ऐसा बड़ा देश है जिसने कि आज तक विस्तारवादी नीति के तहत कभी भी दुनिया के किसी देश पर आज तक कोई हमला नहीं किया है। भारत अकेला देश, हम किसी देश के ऊपर कोई कब्जा नहीं करना चाहते, हम किसी देश को परेशान भी नहीं करना चाहते। अरे भारत ऐसे ऋषियों और महात्माओं की धरती है कि जहां के रहने वाले ऋषियों और महर्षियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि सारी दुनिया की धरती पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। और यह संदेश यदि दुनिया को गया है तो भारत की धरती से गया है। माने हम लोग उस परंपरा उस संस्कृति को मानने वाले हैं कि हम केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते, सारे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को हम अपने परिवार का सदस्य मानते। हम नहीं कर सकते। बार बार आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ फिर भी हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तान गए भी, लेकिन पाकिस्तान ने उसके एवज में दिया क्या है? बार बार सीज फायर वायलेशन करता है, वहां के कुछ ऑफिसर्स भी आए थे, जो पाक रेंजर्स होती थी वो भी आए थे, वो मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे भी मिले। मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारे सेना के जवान पहली गोली पाकिस्तान के किसी नागरिक के ऊपर नहीं चलाएंगे, क्योंकि कभी न कभी पाकिस्तान भी हमारे ही परिवार का अंग रहा है, आज भी हम उसे अलग नहीं मानते, वह भी हमारे भाई हैं। हम किसी भाई के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते, लेकिन ध्यान रखना पाकिस्तान के दोस्तों को जाकर मेरा संदेश दे देना कि वह पहली गोली भारत के सुरक्षा और सेना के जवानों पर न चलाएं। यह मैंने संदेश उनको दिया था, लेकिन उसके साथ मैंने यह भी कह दिया था, याद रखिएगा यदि आपकी तरफ से भी पहली गोली चलती है तो फिर हम अपने जवानों से कहेंगे फिर अपनी गोलियों को कभी गिनना मत। और बहनों भाइयों, मैंने स्पष्ट निर्देश, मैंने अक्टूबर 2014 में जब से जिम्मेदारी संभाली है तब से मैंने कहा, दो टूक शब्दों में कहा, उनको भी कह दिया है। लेकिन यह समझ में नहीं आती बात, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार बन रही थी, 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह था, उसके पहले हम लोग बैठे थे,
उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। तय यह हुआ, बातचीत यह हुई कि शपथ ग्रहण समारोह है और भारत को हम सचमुच एक शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं, धनवान भारत यदि बनाना चाहते हैं तो अपने सभी का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इसलिए पड़ोसी देशों के भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करना चाहिए, और उन्हें भी शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों ने आमंत्रित किया। नवाज शरीफ साहब भी शपथ ग्रहण समारोह में आए। बहनों भाइयों, नवाज शरीफ साहब को हम लोगों ने आमंत्रित किया था, केवल नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि उन्हें आमंत्रित किया था तो पाकिस्तान के साथ दिल से दिल मिलाने के लिए आमंत्रित किया था। इस हकीकत को, हमारे इस मंसूबे को पाकिस्तान को समझना चाहिए था, पाकिस्तान नहीं समझा। इतना ही नहीं, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री सीधे नवाज शरीफ साहब के पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान चले गए। क्या चाहता है पाकिस्तान, क्या करें? हम कलेजा निकाल कर रखते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ मिलजुल कर रहे, भारत का भी विकास हो, पाकिस्तान का भी विकास हो, नेपाल का भी विकास हो, बर्मा और भूटान और श्रीलंका का भी विकास हो, सारे पड़ोसी देशों का विकास हो, हम तो यह चाहते हैं। लेकिन इनके द्वारा इस प्रकार की बराबर नापाक हरकतें होती, हमारी सदाशयता, हमारी इस दरिया दिली के एवज में उन्होंने हमको दिया क्या है? हमको गुरदासपुर दिया, पठानकोट की घटना दी और उरी में आतंकवादियों ने घुसकर हमारे सेना के जवानों को कायराना हमला किया, यही मिला है उसके एवज में। लेकिन हम लोगों ने भी करके दिखा दिया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपने सेना के जवानों का, सुरक्षा के जवानों का, वह करिश्मा किया है या उस संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि हम केवल यहीं नहीं मार सकते, जरूरत पड़ी तो वहां भी मार सकते हैं, यह संदेश देने में हमने कामयाबी हासिल की। बराबर पाकिस्तान आतंकवाद को हवा दे रहा है। मैं कहता हूं कि एक बार आपको बोलने में क्या जाता है, क्या परेशानी है कि हम आतंकवाद से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे? जैसे भारत कहता है कि आतंकवाद से हम किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे तो पाकिस्तान भी क्यों नहीं बोलता है? और पाकिस्तान यदि आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में यदि कामयाब नहीं हो पाता है, उसे सफलता नहीं मिल पाती है, तो पाकिस्तान यदि चाहता है कि पड़ोसी देश भारत का भी सहयोग मिलना चाहिए तो आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भारत भी सहयोग करने को तैयार है। कम से कम हमसे कहो तो कि हमें सहयोग करो, लेकिन वह करने को तैयार नहीं। अब आप यह कल्पना करिए, फिर से भारत की दरिया दिली, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। गुरदासपुर पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ, हम लोगों ने अपनी टीम पहले पाकिस्तान नहीं भेजी, पाकिस्तान ने कहा कि मैं सहयोग करना चाहता हूं, हम अपनी एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम भारत को भेजना चाहते हैं। हम लोगों ने चटपट कह दिया ठीक है, पाकिस्तान भेजे, हमको स्वीकार है। और उसके बाद जब उनकी टीम आई, यहां जांच परख करने के बाद जब वापस गई, एयरपोर्ट से जाते हुए हमारे अधिकारियों को यह कहा, अधिकारियों ने आकर मुझे बताया, उन्होंने यह कहा, हमारे अधिकारियों ने कहा कि अब हमारी टीम को कब आना है, तो उन्होंने कहा कि जल्दी आपको बुलाएंगे। और तो आतंकवाद न